हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 3। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी इस यूनिट की 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई तो आप उसको जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस मैनेजमेंट की, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको नीचे चार्ट दिख रहा होगा जिसमें लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, और तीन टाइप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो क्लासिफाई करा गया है कम्युनिकेशन को। सबसे पहला है ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, नंबर टू है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और नंबर थ्री आपको दिख रहा होगा डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। क्या उनका मीनिंग होता है, क्या उनके फायदे और नुकसान होते हैं, वो सब चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। तो सेमेस्टर वन में बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आप ये सारी चीजें पढ़कर आए हो तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली किसी भी चीज को समझने में। अगर हम बात करें ओरल कम्युनिकेशन की, तो ओरल कम्युनिकेशन बेसिकली वो कम्युनिकेशन होता है जो हम बोलकर करते हैं। अब आपके एग्जाम में ओरल कम्युनिकेशन की जगह वर्बल कम्युनिकेशन अगर लिखकर आ जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ओरल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन एक ही चीज है। अब थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग विद स्पोकन वर्ड्स, इट्स अ वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर यू कम्युनिकेट योर थॉट्स, प्रेजेंट आइडियाज एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब है अपने वर्ड्स को बोलकर बताना, समझाना सामने वाले को। वो एक पर्सन भी हो सकता है और बहुत सारे रिसीवर्स भी हो सकते हैं आपकी बात को सुनने वाले। इट्स अ वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल फॉर्म यानी कि कम्युनिकेशन की वो फॉर्म है जिसमें आप कुछ ना कुछ बोलकर ही बताने वाले हो सामने वाले को। वेयर यू कम्युनिकेट योर थॉट्स, प्रेजेंट आइडियाज एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। अब वो आपका कोई थॉट भी हो सकता है, वो कोई आपका ओपिनियन हो सकता है, कोई भी आइडिया हो सकता है, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो, बोलकर करनी है, वो आपका ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। आगे है इट इंक्लूड्स टॉक, डायलॉग, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज, लेक्चर्स, अनाउंसमेंट्स, रेडियो टॉक्स। तो ये सब चीजें ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। आप अपने किसी भी दोस्त से टेलीफोन पर बात कर रहे हो, उससे फेस टू फेस मिलकर डिस्कशन कर रहे हो, तो वो सब चीजें ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। और भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कोर्ट हियरिंग्स, पार्लियामेंट्री डिस्कशन, तो ये सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। यानी कि बोलकर बात करना ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है, कोई भी ऐसी भारी चीज इसमें नहीं है। अब आते हैं इसके फायदे क्या होते हैं। हमने मीनिंग जान लिया ओरल कम्युनिकेशन का, बहुत ईजी था। अब बात करते हैं क्या क्या फायदे होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के। नंबर वन है वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी कैन बी अवॉइडेड। यहाँ पे हमारा समय बच जाता है, हमारा पैसा बच जाता है और हमारी एनर्जी भी बच जाती है। पैसा और समय कैसे बच गया? अगर हम किसी को लिखकर कोई चीज बताएंगे तो हमें वो लेटर भेजना पड़ेगा, तो उस चीज में हमारा समय लगेगा, पैसा लगेगा, भागदौड़ होगी हमारी उसमें, तो वो हमारी चीज सारी बच जाएगी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। सेकंड है इट स्ट्रेंथन्स म्यूचुअल रिलेशंस। जब भी हम किसी से फेस टू फेस मिलकर बात करते हैं या फिर फोन पर बात करते हैं, बोलकर जो भी हम बात अपनी बताते हैं और सामने वाले की बात को सुनते हैं, उसमें हमारे जो रिलेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। किसी भी तरह की कंफ्यूजन किसी के माइंड में नहीं रहती है, राइट? दूर बैठकर एक दूसरे से आप चैटिंग कर रहे हो या फिर लेटर्स भेज रहे हो तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, वो म्यूचुअल रिलेशन आपका नहीं बन पाएगा जो ओरल कम्युनिकेशन से बन सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है फीडबैक इज रिसीव्ड इंस्टेंटली इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आपने अपने दोस्त को फोन किया, आपने उसको बोला हाय, उसने बोला हेलो, जो आपको रिसीव हुआ उसका रिप्लाई या फिर कह सकते हैं उसका फीडबैक, वो आपको बिल्कुल इंस्टेंटली मिल गया। वहीं अगर आप अपने दोस्त को चिट्ठी भेजोगे कि भाई मेरे ये क्वेश्चन है, ये मुझे तेरे से बात करनी है, कब वो लेटर उसके पास पहुंचेगा, कब उसका जवाब आपके पास तक आएगा, उसमें बहुत ज्यादा देर लग जाएगी। आपने अपने दोस्तों को क्वेश्चन पूछा, भाई आज स्कूल में क्या काम हुआ था, वो आपको एकदम से इंस्टेंटली बता देगा कि ये सब चीजें हुई थी, तो आपको जो फीडबैक है वो इंस्टेंटली मिल गया इस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन से, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन से। तो ये थे इसके कुछ फायदे। आगे बढ़ते हैं क्या क्या नुकसान होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के, उसके बारे में यहां पर हम बात करते हैं। सबसे पहला है ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल व्हेन सेंडर एंड रिसीवर आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर और नो मैकेनिकल डिवाइसेस कैन कनेक्ट देम ओरली। ओरल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा अगर सेंडर और रिसीवर यानी कि आप और आपका दोस्त एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है और कोई मैकेनिकल डिवाइस आपके पास नहीं है, तो उस केस में आप अपने दोस्त से ओरली बात नहीं कर सकते। मिलकर तो आप कर ही नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप दोनों बहुत ज्यादा दूर हो एक दूसरे से और कोई मैकेनिकल डिवाइस भी अवेलेबल नहीं है आप दोनों के पास, तो ओरल कम्युनिकेशन उस केस में खराब हो जाएगा और आप बात नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये एक इसका डिसएडवांटेज बन जाता है। नंबर टू है इट इज सुइटेबल फॉर स्मॉल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस, इट इज नॉट सुइटेबल फॉर लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस। वैसे तो हम लोग आज के समय में देखा जाए तो घंटों बात कर लेते हैं फोन पर या फिर मिलकर भी बात कर लेते हैं, लेकिन ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज भी बन जाता है कि अगर आपको बहुत छोटी छोटी बातें करनी है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है तब तो ठीक है कि आप ओरली कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत लंबी बात करनी है, कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस आपको ट्रांसफर करना है या फिर कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए ओरल कम्युनिकेशन नहीं बना है। उतना समय आपको कोई नहीं दे सकता कि आपने अभी अपने दोस्त को कॉल करी और वो 2 घंटे 3 घंटे आपकी बकवास सुनने के लिए बैठा है, या फिर आपके पास भी उतना समय नहीं है ना, तो आप उस चीज को क्या करोगे, कोई लेटर आप लिख दोगे और वो जब भी समय होगा आपका दोस्त पढ़ लेगा
और आप भी उस समय में उस लेटर को लिखने के बाद अपना काम करते रहोगे, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन एक स्मॉल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको बहुत लंबी बातें करनी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है अपने फ्रेंड के साथ या किसी के भी साथ, तो उसमें ये सुटेबल नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ अ रिकॉर्ड ओरल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी रिटेन्ड इन माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब आप अपने दोस्त से मिलकर बातें कर रहे हो या फिर फोन पर बातें कर रहे हो, तो किसी तरह का कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं रहता है कि आपने क्या उससे बातें करी, उसने आपसे क्या बातें करी, ठीक है। किसी भी तरह का रिकॉर्ड आपके पास नहीं रहने वाला। जो भी बातें आपने अपने फ्रेंड से आज करी है, वो 10-15 मिनट में आप शायद भूल भी जाओ, ठीक है, या फिर कल भूल जाओ, परसों भूल जाओ, हर एक चीज आपको याद नहीं रहने वाली। कोई रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन नहीं रहने वाला। दिमाग में कितने दिन रहेगी वो चीज, कुछ दिन रहेगी, 2-3 दिन रहेगी, 3-4 दिन रहेगी, लेकिन ज्यादा समय तक आप उस रिकॉर्ड को नहीं रख सकते जो भी आपकी बातें हुई थी। रिटन कम्युनिकेशन में ये चीज पॉसिबल है, वो हम आगे जानेंगे भी, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड होता है, जो भी लेटर्स होते हैं, उनको हम संभाल के रख सकते हैं, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं उस पूरी कन्वर्सेशन का, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं सेकंड फॉर्म की तरफ, जो कि रिटन कम्युनिकेशन। जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा, लिखकर यहां पर बातें हो रही है, लिखकर कम्युनिकेशन किया जा रहा है, तो वो रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। When the message or information is communicated through letters, circulars, memos, reports, तो यहाँ पर कुछ example दिए हैं। अगर इन सब चीजों के through आपका communication हो रहा है, ठीक है, वो newspaper भी हो सकता है, वो journals हो सकते हैं, वो books हो सकती हैं, तो वो हमारा written communication कहलाता है, क्योंकि जो भी information, जो भी message आपको मिल रहा है, वो written form में मिल रहा है, तो वो written communication कहलाता है। This communication provides a facility of preparing a well thought draft of a message or information before communicating it. तो इस form of communication में आपको क्या चीज एक facility मिलती है, जो भी बात आप कहना चाहते हो बोलने से पहले आपको सोचने का बहुत ज्यादा मौका मिल जाता है, बहुत ज्यादा समय आपको मिल जाता है। कोई दिमाग में आपके चीजें हैं, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में, तो आप सोच समझकर आराम से पूरा समय लेकर इजीली लिख सकते हो उन सब चीजों को। चाहे आप किसी को ईमेल कर रहे हो, पेपर पे तो आज के समय में कोई लिखता नहीं है, या फिर आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज किसी को कर रहे हो, तो वहां पर आपको सोचने का समय मिल गया। अगर आप किसी से टेलीफोन पर बात करो या फिर फेस टू फेस बात करो, तो आपके दिमाग में जो भी चीजें एकदम से आएंगी वो आप एकदम बोल दोगे। लेकिन अगर आप किसी को लिख रहे हो, कुछ ईमेल आप लिख रहे हो या फिर आप कोई मैसेज किसी को लिख रहे हो, तो वहां पर आपको सोचने का समय मिल गया। तो इस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि बोलने से पहले जो भी मैसेज आपका है उसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, आप उसको समय लेकर प्रिपेयर कर सकते हो। कोई गलती उसमें हो गई तो आप उसको ठीक कर सकते हो, कोई चीज अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हो तो वो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जो शब्द आपके मुंह से निकल गए वो फिर से चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये था रिटन कम्युनिकेशन का मीनिंग। आगे बढ़ते हैं क्या क्या है इसमें जानने के लिए और, तो आगे है हमारे मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, क्या क्या फायदे होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के, वो हम यहाँ पर जानते हैं। नंबर वन पॉइंट है हमारा, दिस कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स परमानेंट रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट as the written message or information turns into a documented record and can be preserved for reference in future. रिटन कम्युनिकेशन का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो हमें ओरल कम्युनिकेशन में देखने को नहीं मिल रहा था। रिटन कम्युनिकेशन में क्या है, जो भी हमारे पास कन्वर्सेशन हुई है, चाहे वो ईमेल के थ्रू हुई है, चाहे वो हमारी चैटिंग के थ्रू हुई है, या फिर कोई लेटर्स के थ्रू हुई है, उनको हम आराम से संभाल के रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, राइट। एक रिकॉर्ड हम पूरा मेंटेन करके रख सकते हैं बहुत इजीली उस रिटन कम्युनिकेशन के अंदर, राइट। नेक्स्ट है, रिटन कम्युनिकेशन कैन बी रीड अगेन एंड कैन बी रिपीटेड एज एंड व्हेन नीडेड। रिटन कम्युनिकेशन में हमारी जो भी कन्वर्सेशन हुई है उसको हम बार बार रीड कर सकते हैं, बार बार उसको देख सकते हैं, जब भी हमें जरूरत पड़े फ्यूचर में या फिर कभी भी जरूरत पड़ती है तो उस रिकॉर्ड को हम निकालेंगे और कभी भी उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है रिटन कम्युनिकेशन का, जो कि अगेन ओरल कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं है। आपने किसी से बात करी, उसके बाद वो भी शायद भूल जाएगा और आप भी भूल जाओगे क्या बातें आपकी हुई थी, राइट। तो उसको आप फिर से उस चीज का मजा नहीं ले पाओगे, उस कन्वर्सेशन को आप फिर से रिकॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज हेल्पफुल इवन व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या हो रहा था, जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर थे तो उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैकेनिकल डिवाइस भी उनके पास नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पर डिस्टेंस है सेंडर और रिसीवर के बीच में, चाहे कितना ही डिस्टेंस क्यों ना हो, यहाँ पर जो भी बात सेंडर को रिसीवर से कहनी है या फिर रिसीवर को सेंडर से कहनी है वो कर सकते हैं बहुत इजीली, चाहे वो एक दूसरे से कितना ही दूर क्यों ना हो, राइट। तो ये थे कुछ मेरिट्स रिटन कम्युनिकेशन के। आगे बढ़ते हैं रिटन कम्युनिकेशन के डिमेरिट्स की तरफ, यानी कि क्या क्या नुकसान है रिटन कम्युनिकेशन के। बहुत सिंपल सी बात है, जिस चीज के फायदे होते हैं उस चीज के नुकसान भी होते ही हैं। नंबर वन पॉइंट है, इट इज अ कॉस्टली सिस्टम टू कीप रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज टू स्पेंड मच मनी ऑन फिलिंग पोस्टेज प्रिंटिंग एंड ऑफ कोर्स ऑन द वैल्यूएबल टाइम ऑफ ऑल दोस इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। तो ये एक कॉस्टली सिस्टम होता है रिटन कम्युनिकेशन का। अगर आपको रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने हैं, रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है वो तो एक अच्छी चीज है, लेकिन उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भी थोड़ा सा खर्चा वहां पर आ जाता है, राइट। आपको अगर किसी को लेटर भेजना है तो उसके भी थोड़े से पैसे आपको देने पड़ेंगे, ठीक, थोड़ा समय भी आपका लगेगा। ओरल कम्युनिकेशन में जो चीज बिल्कुल इंस्टेंटली आपको मिल रही थी, जो फीडबैक आपको इंस्टेंटली मिल रहा था, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। अब जिस चीज के फायदे होते हैं उसका नुकसान तो होता ही है, थोड़े से यहाँ पर आपको फायदे मिल रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा सा नुकसान भी देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं तो उसके थोड़े से पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, अगर आप अभी अपने फ्रेंड को कुछ बताना चाहते हो तो पहले आप लेटर लिखोगे,
ठीक है, वो लेटर कब उसके पास पहुंचेगा, कब कब वो उसको देखेगा, कब आपके पास रिप्लाई आएगा, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है रिटन कम्युनिकेशन का। आगे है, इट टेक्स मच टाइम इन रिमूविंग कंफ्यूजन और डाउट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और व्हेन द मैसेज इज नॉट वेरी क्लियर, इट टेक्स मच टाइम टू मेक इट क्लियर। अगर आप किसी से ओरली बात कर रहे हो, किसी से फोन पर बात कर रहे हो या फिर फेस टू फेस बात कर रहे हो, तो अगर सामने वाला पर्सन कुछ कंफ्यूज हो जाए आपकी बात को लेकर, आपके किसी शब्द को लेकर, वो उसे गुस्सा आ जाए या फिर कुछ लड़ाई हो जाए, तो आप हाथों हाथ बिल्कुल वहां पर सॉल्व कर सकते हो उस डिस्प्यूट को। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा, कोई चीज उसको बुरी लग गई, कुछ भी डिस्प्यूट्स आपके बीच में हो गए, वो कुछ भी गलत मीनिंग ले गया आपके मैसेजेस का या फिर आपके किसी शब्द का, तो उस चीज को क्लियर वहां पर आप इंस्टेंटली नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके मन में कोई गलत फहमी क्रिएट हो जाएगी और आप यहाँ पर बैठे हुए आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो वहां पर डिस्प्यूट हो गए आप उसको इंस्टेंटली क्लियर नहीं कर पाओगे, जो भी उसके माइंड में कंफ्यूजन उसको आप दूर नहीं कर पाओगे, तो उस चीज को सही करने में काफी ज्यादा समय आपको लग जाएगा, काफी ज्यादा मेहनत आपको लग जाएगी। हो सकता है उसका लेटर आपके पास लौट कर आए ना, क्योंकि वो तो बुरा मान गया। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर, इसलिए ये इसका एक डीमेरिट भी बन जाता है। तो ये थे कुछ डीमेरिट्स रिटन कम्युनिकेशन के। हमने यहाँ पर मेरिट्स जाने, रिटन कम्युनिकेशन का मीनिंग जाना, ओरल कम्युनिकेशन के मेरिट्स डीमेरिट्स प्लस उसके मीनिंग के बारे में हमने यहाँ पर बात करी। इस वीडियो में बस इतना ही। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन की फर्स्ट कैटेगरी जो की थी ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आने वाली वीडियोस में हम आगे की कैटेगरीज को कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं करें तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।